राधे राधे गाइस। तो कल हमने वृंदावन घूमा था और आज सुबह के 9 बज चुके हैं, तो आज हम जा रहे हैं मथुरा। तो मथुरा में जहाँ जहाँ घूमेंगे वो सब आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं हम लोग, अभी निकलते हैं, क्योंकि सामान वामान पैक हो गया हमारा, तो हम निकल रहे हैं। तो आगे सब कुछ दिखाएंगे, तो मिलते हैं आगे। हेलो गाइस, तो हम पहुँच चुके हैं, देखिए मथुरा सिटी के अंदर घुस रहे हैं अभी एकदम, और हम पहुँच रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं कंस किला, और कुछ ही दूरी पे है बस कंस किला। तो जैसे ही पहुँचते हैं वो आपको दिखाएंगे, इसी बैक कैमरे से मथुरा सिटी के अंदर घुसते हुए उसके नज़ारे देखिए। गली के अंदर घुस चुके हैं, चुके हैं कंस किला के अंदर। ये देखिए एंट्री गेट ये है, यहाँ से हम अंदर आए हैं, और बैक साइड से आपको दिखाता हूँ कैसा है। ये देखिए बैक साइड से सीढ़ियाँ हैं, और ये कंस किले का टेरेस ही समझो, एकदम बिल्कुल ऊपर का माला है ये। चले अंदर चले, बिल्कुल गोली फोली ले लेना। नहीं अभी नहीं आएंगे, इतनी जल्दी नहीं आते, बंदर तो हैं यहाँ पे खतरनाक, चश्मा ले जाते हैं कभी कुछ ले जाते हैं। तो गाइस यही है जो कुछ बचा है कंस किले का। 5000 साल पहले कंस यहीं पे राज करता था, आप देख सकते हैं, लेकिन अभी एकदम खंडर हो चुका है, ये देख सकते हैं। कौन कहेगा इसे देख के कि कंस इस पे रहता था। ये देखिए गाइस क्या खंडर है, लेकिन यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा, आपको दिखाते हैं। यहाँ से यमुना नदी दिखती है, कहते हैं बहुत सही, कहते हैं यहीं से कंस पूरे मथुरा को देखा करता था। इधर से आ, इधर से देखते हैं। ये नीचे का है पूरा, इधर आ, इधर से देखा, देखिए यहाँ का व्यू गाइस, देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। यही है ना यमुना नदी, बीच में तो खाली सा पड़ा है, सूख गई है ना। ये कुआ है क्या सौरभ? यही कुआ है, देख गाइस देखिए कुआ, पता नहीं कितना गहरा, ज्यादा गहरा नहीं है। ये सीढ़ी नहीं, सीढ़ी लगी है देखिए लोहे की, चल चल यहाँ से नहीं चलना चाहिए। तो आप यहीं से देख लीजिए गाइस, इसके अंदर नहीं जाएंगे, बहुत खतरा है। ये यहाँ सो रहा है आराम से कंस के किले में। देखिए गाइस यहाँ पर बोट भी चलती है, अगर आपको घूमना है यमुना नदी में तो आराम से आइए और घूमिए। उस पार गोकुल है सौरभ, उस पार गोकुल है। सब पंख मार के आएंगे बालक है सौरभ, कोई पढ़ना नहीं चाहता। हाँ हाँ ऐसे देखिए यहाँ कंस के महल में कौन कौन रहता है,
लोगों ने डेरा डाल लिया। ये देखिए गाइस यहाँ घास वास कितनी ज़्यादा उगाई है, कोई देखभाल नहीं करता। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि ये बना रहे। हाँ चल चल रहे अभी। वैसे अब हम बाहर जा रहे हैं दूसरी जगह देखने के लिए। हाँ के बंदर देखिए भाई बहुत खतरनाक है। देखिए गाइस बाहर से कंस का किला कैसा दिखता है, काफी ऊंचाई है इसकी बाहर से तो, ठीक है अंदर से बहुत ही बेकार हो चुका है, बिल्कुल कुछ नहीं रहा है। उधर से चलना जहाँ से पब्लिक आ रही है, चलता रहे। ये देखिए गाइस बाहर से एकदम कैसे टूट फूट गया ये। तो दोस्तों हमने कंस किला देख लिया है और अब हम जा रहे हैं कृष्ण जन्म स्थान जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था उस कारागार के अंदर। तो वो अभी कारागार देखेंगे तो अभी हम वहाँ के लिए निकल रहे हैं। ये देखिए किला हमने पूरा देख लिया है तो अब चलते हैं वहाँ पर, वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। गाइस हमने जन्मभूमि भी देख ली है एकदम से, अंदर फ़ोन वोन ले जाना मना था, सारे हमसे सामान सारा फ़ोन जब्त करवा दिया था तो हमने जमा कर दिया था तो अंदर की वीडियो नहीं बना पाए, तो उसके लिए सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब हम यहाँ से जा रहे हैं निधिवन के लिए जल्दी से, तो ठीक है हम निकलते हैं निधिवन के लिए, तो आगे का व्लॉग देखते रहना। हेलो गाइस, तो फाइनली हम अपनी लास्ट लोकेशन में पहुँच चुके हैं जो कि है निधिवन। तो अभी अंदर चल के आपको दिखाते हैं कैसा है। और यहाँ से देखिए बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, ये देखिए। और अभी हम अंदर चल रहे हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाइस कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। अभी तक तो निधिवन सिर्फ वीडियोस में देखा था मैंने, लेकिन आज सच में देखेंगे कैसा है और आपको भी दिखाएंगे, तो राधे राधे जरूर लिखना चाहूँगा। तो दोस्तों निधिवन एक ऐसा वन है जहां आज भी ये मान्यता है कि श्री कृष्ण और उनकी गोपियां आज भी यहां रास करने आते हैं, जो रात में राधा के संग रास करते हैं। कहते हैं यहां शाम के 5 बजने के बाद यहां एक बंदर और एक चींटी भी नहीं रुकती है, सब टाइम के साथ निकल जाते हैं बाहर, क्योंकि यहां जो भी रात को रुकता है कहते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ घटना ज़रूर हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ये सब भी लगा दिया गया है जिससे कि लोग अंदर ना जाएँ और वहाँ की मिट्टी भी ना अपने घर ले जा सकें, क्योंकि यहाँ की मिट्टी ले जाना भी मना है, इसलिए ये सब लगा दिया गया, वरना ये पहले पूरा खुला हुआ था। और जो आप यहाँ के पेड़ देख रहे हैं ये जो नीचे जिनकी लटे लटकी हुई हैं, ये कहते हैं ये सब गोपियाँ हैं जो कि होने के बाद ये सब गोपियाँ बन जाती हैं और रास करती हैं, नृत्य करती हैं। तो यहाँ की लोगों की यह मान्यता है और बाकी आप सब देख ही सकते हैं सब। आ गई आ गई।
अपने बचपन में चतुराई दिखाई थी, पाठशाला में भगवान के हक के चरण छूने की इच्छा थी, लेकिन भगवान ने उसे मारने के लिए सजा के लिए उनको 40 और दे दे हेलो गाइस, तो हम घर आ चुके हैं हम, और हम बहुत घूमे जितना हम घूम सकते थे, हमारे पास टाइम था जो हम उतना घूमे, और ज़्यादा नहीं घूम पाए, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार जाएंगे, अगली बार और घूमेंगे। लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, प्रेम मंदिर देखा, कंस का किला देखा, तो मैं यही कहूँगा कि आप भी जाइए और घूमिए, बहुत ही प्यारी जगह है मथुरा और वृंदावन, तो आप एक बार वहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था तो हमें आना पड़ा, और अगली बार फिर जाएंगे। तो कितना खर्चा हुआ, कहाँ रहे, कैसे रूम लिया, क्या हुआ, वो सब आपको मिलेगा एक अगली वीडियो में देखने के लिए। उसके लिए हम आपके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो अब मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, जिसमें आपको वो चीज़ें बताएंगे सारी। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो राधे राधे।